प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को शहडोल आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शहडोल जिले में कार्यक्रम स्थल लालपुर स्थित हेलीपैड में प्रदेश शासन की जनजाति कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह, प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल, सांसद हेमाद्री सिंह, विधायक जयसिंह मरावी, मनीषा सिंह, आयुक्त शहडोल संभाग राजीव शर्मा, एडीजी शहडोल जोन डीसी सागर, कलेक्टर वंदना वैद, नगर पंचायत हिसार के अध्यक्ष शालिनी सरावगी, कमल प्रताप सिंह, उर्मिला कटारे सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो यहाँ आ रहे हैं वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं। एक तो वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का कार्यक्रम कल संपन्न हुआ है। इस अवसर पर हमने 5 यात्राएं प्रारंभ की है जो वीरांगना रानी दुर्गावती की माँ रानी दुर्गावती की गाथाएं सबको बताती हुई 26 तारीख की रात में शहडोल पहुंचेगी। 27 को वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस यहाँ मनेगा, बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा और इसमें दो बड़ी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी, एक तो सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च करेंगे। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल की बीमारी लोगों की जिंदगी को बहुत कष्टपूर्ण बना देती है, तो उसकी स्क्रीनिंग और इलाज के लिए मिशन लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री जी। और दूसरे व्यापक पैमाने पर आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा कार्ड बनकर तैयार है और उन आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में एक परिवार का होगा। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रांतिकारी फैसला है। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ से आयुष्मान कार्ड के वितरण का काम प्रारंभ करेंगे और जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आयुष्मान कार्ड वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तो उसी समय लगभग 25,000 स्थानों पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर और गांव में शहरों में भी आयुष्मान कार्ड जनता को वितरित किए जाएंगे ताकि सबको आयुष्मान कार्ड मिल सके और सुलभता से इलाज हो सके। प्रधानमंत्री जी बड़ी सभा को तो संबोधित करेंगे लालपुर में, लेकिन यहाँ गांव में पोखरिया में जो अलग अलग हमारे ग्रुप हैं, हमारी दीदियाँ जो आजीविका मिशन में काम कर रही है उनसे चर्चा करेंगे। शहडोल से अनिल लाहंगीर की रिपोर्ट।